हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के बारे में। और हिंदी व्याकरण में हमारा आज का टॉपिक है लिंग यानी जेंडर। हम देखेंगे कि हिंदी व्याकरण में जो है लिंग या जेंडर को कितने भागों में बांटा गया है। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। मैं हूँ शशिकांत राय, यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट से। तो हिंदी व्याकरण में लिंग का मतलब होता है किसी शब्द की प्रकृति या पहचान। और हिंदी व्याकरण में लिंग को जो है दो भागों में बांटा गया है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इसमें नपुंसक लिंग को शामिल नहीं किया जाता है। संस्कृत भाषा में लिंग को तीन भागों में बांटा गया है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन हम हिंदी व्याकरण में ध्यान रखेंगे कि हिंदी व्याकरण में लिंग के जो है दो भाग हैं, स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग है। लेकिन कभी कभी आपको ऐसे शब्द भी देखने को मिल जाएंगे जिनकी प्रकृति जो है समय के अनुसार या स्थिति के अनुसार बदलती रहती है, या उनके मात्राओं में फर्क होने से उनके लिंग में परिवर्तन आ जाता है और वो कभी कभी स्त्रीलिंग हो जाते हैं या पुल्लिंग हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा पेपर देते समय कि आपसे ये गलतियां ना हो। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना पहला भाग। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। टॉपिक है लिंग। लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह या पहचान। लिंग के दो भाग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में एक ही अर्थ रखने वाले दो शब्द अलग अलग लिंग से मिलते हैं। जैसे रास्ता अगर पुल्लिंग है तो सड़क स्त्रीलिंग होता है, ग्रंथ पुल्लिंग है तो पुस्तक स्त्रीलिंग है, नाला पुल्लिंग है तो नदी स्त्रीलिंग है, जहाज पुल्लिंग है तो नाव स्त्रीलिंग है, और पानी पुल्लिंग है तो छाछ स्त्रीलिंग है। तो आपने देखा कि हिंदी में एक ही अर्थ रखने वाले दो शब्द अलग अलग लिंग से मिलते हैं। एक ही अर्थ रखने वाले शब्द में तीनों लिंग भी हो सकते हैं। जैसे दारा पुल्लिंग है, दारा का स्त्री स्त्रीलिंग है, और कलत्र जो है नपुंसक लिंग है। आइए अब देखते हैं पुल्लिंग शब्द के नियम। अकारांत तत्सम संस्कृत शब्द के जो शब्द होते हैं वो जो है पुल्लिंग होते हैं। जैसे उपाध्याय है, बालक है, क्षण, दुग्ध, जल, नीर, सर, कृपाण आदि। हिंदी में द्वंद्व समास वाले शब्द भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे नर, नारी, माँ बाप, भाई, बहन, मामा, मामी आदि। अप्राणविवाचक संज्ञा शब्द भी अपने रूपाकार के आधार पर पुल्लिंग माने जाते हैं। जैसे पृथ्वी और श्रीलंका स्त्रीलिंग होता है, चांदी स्त्रीलिंग है, ज्वार, मक्का, अरहर स्त्रीलिंग है। इसके अलावा जितने भी अप्राणविवाचक संज्ञा होते हैं वो सभी जो हैं पुल्लिंग कहलाते हैं। ये एक अपवाद है। इसके अलावा आ से समाप्त होने वाले संज्ञा पुल्लिंग होती है, जैसे रुपया, पैसा, बच्चा, जूता, देवता, माथा, कपड़ा, रास्ता। ऐसी भाववाचक संज्ञा भी जो है पुल्लिंग होती है जिनके अंत में आ, आओ, न, पा, पन आदि प्रत्यय जुड़े हों। इसके अलावा अरबी फारसी के जिन शब्दों के अंत में खान या दान आता है वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे खानदान, रोशनदान, फूलदान, और जेल खाना, पागल खाना इत्यादि। तो आपने देखा कि पुल्लिंग शब्द को बनाने के जो नियम हैं वो कैसे हैं। आप इस आधार पर जो है पुल्लिंग शब्दों की पहचान आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा पुल्लिंग की परिभाषा क्या है, पुल्लिंग के जो है कार्य क्या होते हैं, पुल्लिंग के भेद क्या होते हैं, और पुल्लिंग को पहचानने के नियम क्या होते हैं। और इसी की अगली कड़ी में हम शुरू करते हैं, आइए स्त्रीलिंग के बारे में। अब हम देखेंगे और जानेंगे कि स्त्रीलिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग की परिभाषा, स्त्रीलिंग को जानने पहचानने के नियम क्या हैं। तो आइए देखते हैं स्त्रीलिंग। आइए अब देखते हैं स्त्रीलिंग के नियम। जिन शब्दों के अंत में तद्भव भाववाचक संज्ञाएं होती हैं वे सभी शब्द जो हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे जिनके अंत में आता है ट, आवट, आहट, अ और न वाली तद्भव भाववाचक संज्ञाएं। उदाहरण के रूप में चमक, घुटन, खटपट, बनावट, घबराहट, ये सभी जो हैं स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। इसके अलावा नदियों और झीलों के जितने नाम होते हैं वो सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। सिर्फ जो है कुछ नदियों को छोड़कर सिंधु, सोन, दामोदर, ब्रह्मपुत्र, ये नद हैं, ये नदियाँ नहीं हैं, इसलिए इनको पुल्लिंग माना जाता है। इसके अलावा हिंदी, तिथियां, लिपियों, भाषाओं और बोलियों के जो है सभी नाम जो है स्त्रीलिंग में आते हैं। आगे देखते हैं, जिनके अंत में ई, ता, आई, नी, इया, त, आनी आदि शब्द आते हों वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे मामी, सुंदरी, चिड़िया, डिबिया, लोहारिन, ओढ़नी, चलनी, देवरानी, महारानी, गुरुवाइन, हलवाइन और बचत। इसके आगे देखते हैं, जिन शब्दों के अंत में बड़ा आच, बड़ी ई, ऊ से अंत होने वाले जो शब्द होते हैं वे जो हैं क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे रमा, सुधा, कृपा, प्रशंसा, रीति, प्रीति, मति, धेनु, मृत्यु, रेणु, आयु। इसके अलावा जिनके अंत में बड़ा ऊ, ख, त, स हो वे भी जो हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे लू, बालू, पल्लू, सीख, ऊख, पाँख, आँख, जात, सोकात, बात, उसास, घास, सास, प्यास,
अपवाद में जो है जात, लात, दात, वात और ज्ञात ये पुल्लिंग आते हैं, और इसके अलावा उपास, उदास और हुलास भी जो है पुल्लिंग शब्द माने जाते हैं, यानी कि आपको जिनके अंत में उ, ख, त, स हो उनमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने अभी तक देखा कि पुल्लिंग की परिभाषा क्या है, पुल्लिंग को पहचानने के नियम क्या है, और इसके साथ ही हमने देखा कि स्त्रीलिंग की परिभाषा क्या है और स्त्रीलिंग को पहचानने के नियम क्या है। अब हम देखेंगे कि कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिसमें प्रकृति या अर्थ के आधार पर उनके लिंग में परिवर्तन हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे कुछ शब्द क्या है। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें अर्थ के आधार पर लिंग परिवर्तन हो जाता है। आइए देखते हैं ये शब्द क्या हैं। जैसे कोटि, कोटि का अर्थ करोड़ होता है, और जब करोड़ होता है तो ये पुल्लिंग होता है, और इसी कोटि का अर्थ जब श्रेणी होता है तो श्रेणी जो है स्त्रीलिंग शब्द में गिना जाता है। इसी तरह विधि, विधि का अर्थ जो है ब्रह्मा होता है, और जब ब्रह्मा शब्द लेते हैं तो ब्रह्मा को पुल्लिंग माना जाता है, और इसी तरीके से जब विधि शब्द का अर्थ जो है तरीका लिया जाता है तो तरीका जो है स्त्रीलिंग में आता है। इसके अलावा टीका, टीका का अर्थ जब तिलक लिया जाता है तो ये पुल्लिंग होता है, और जब टीका का अर्थ जो है व्याख्या लिया जाता है तो इसको स्त्रीलिंग माना जाता है। तो आपने देखा कि हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें अर्थ के आधार पर लिंग परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों हमने देखा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जिनका प्रकृति या अर्थ के आधार पर लिंग परिवर्तन होता रहता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।